हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास एट। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ नया टॉपिक जिसको हम स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंडिंग रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स। यहाँ पे जो हमारा आज का टॉपिक है वो है रेशनल नंबर्स को फाइंड करना। अगर कोई दो रेशनल नंबर्स हमारे पास गिवन है तो उनके बीच का एक रेशनल नंबर हमें फाइंड करना, उनके बीच वाला, ध्यान रखना, उनके साइड वाला नहीं, उनके बीच का एक रेशनल नंबर फाइंड करना है। टू रेशनल नंबर्स आर गिवन, इसके हमें, हमारे पास दो मेथड है, एक है फॉर्मूला बेस्ड और एक है अल्टरनेट मेथड। मैं दोनों से आपको करके दिखाऊंगा किस तरीके से हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मूला मेथड की। फॉर्मूला मेथड जो है वो है, इफ एक्स एंड वाई बी टू रेशनल नंबर्स सच दैट एक्स एंड लेस देन वाई, देन 1/2 एक्स प्लस वाई इज अ रेशनल नंबर बिटवीन एक्स एंड वाई। वगैरह अगर x और y दो रेशनल नंबर्स हैं और x जो है वो y से छोटा है और हमें उनके बीच का कोई रेशनल नंबर निकालना है, तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से 1/2 x प्लस वाई की हेल्प से हम उसके बीच का नंबर फाइंड कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। एग्जांपल हमने जो आपके लिए लिया है वो है, फाइंड द रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 1/3 एंड 1/2। हमें यहाँ पे दो रेशनल नंबर्स गिवन है 1/3 एंड 1/2। हमें इन दोनों नंबर्स के बीच का नंबर फाइंड करना है और वो भी इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो यहाँ पे जो 1/3 है वो x है और जो 1/2 है वो y है। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 1/2। 1/3 को हमने x की जगह पे पुट किया, 1/2 को हमने y की जगह पे पुट किया। ये जो बाहर वाला 1/2 है ये फॉर्मूले का 1/2 है। ओके, देन 1/2 और अंदर जो है हमने एक नॉर्मल एडिशन किया है दोनों रेशनल नंबर्स का, जैसे कि हम पहले करा चुके हैं। एलसीएम लिया है 6 एंड देन 3 डिवाइड 6 इन 2 टाइम, तो 2 बन जाए 2 प्लस 2 डिवाइड 6 इन 3 टाइम, 3 बन जाए 3। तो ब्रैकेट के अंदर आ गया आपका 1/2 आउटसाइड एंड ब्रैकेट के अंदर है 5/6। अब इसका मल्टीप्लाई नॉर्मली 5 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 5 और 6 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 12। तो 5/12 इज अ नंबर, इज अ रेशनल नंबर बिटवीन दीज टू नंबर्स। ध्यान रखिएगा, इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच का नंबर हमारा निकल के आ गया 5/12। ओके स्टूडेंट, अगला है अल्टरनेट मेथड। एक और मेथड है जिससे निकाल सकते हैं। उसके लिए जो हमने एग्जांपल आप लोगों के लिए लिया है वो है, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस। हमें इन दोनों नंबर्स के बीच में 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, 6। ओके, तो सबसे पहले रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए उनके डिनोमिनेटर्स इक्वल होने चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, तभी हम रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या किया, इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं 6 और 8, उनका हमने एलसीएम लिया। और एलसीएम क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए इजीली। तो ऐसा नंबर है 24 और इससे छोटा नंबर कोई ऐसा नहीं है जो इन दोनों से डिवाइड होता हो। तो 24 और हमें 24 हमने लिया, और अब हमें क्या करना है कि इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को 24 लाना है। पहला नंबर है हमारा -5/6। ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 24 आ जाए, तो मल्टीप्लाई बाय बाय 4। किसका मल्टीप्लाई किया गया, 4 का मल्टीप्लाई किया गया। और ये हम जानते हैं, अगर किसी रेशनल नंबर में नॉन जीरो नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों पोर्च पार्ट में करना कंपलसरी है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो हमने न्यूमरेटर में भी किया, न्यूमरेटर में किया तो नंबर आ गया -20/24 और डिनोमिनेटर में किया तो आ गया 24। ओके, उसके बाद हमने दूसरा वाला नंबर लिया। दूसरा वाला नंबर हमारा है 5/8। 8 हमारे पास है डिनोमिनेटर में और हमें लेके आना है 24। तो ऐसा क्या करें कि 24 लेके आए, तो हमने मल्टीप्लाई बाय 8 डिनोमिनेटर में, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 3 डिनोमिनेटर में भी 3 एंड न्यूमरेटर में भी 3। सो 5 3 15 एंड 8 3 24। तो इस तरीके से हमने दोनों रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम कर लिए। एक है -20/24 और एक है 15/24। अब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, -20 और 15 जो न्यूमरेटर्स हैं, उन दोनों न्यूमरेटर्स के बीच में बहुत सारे नंबर्स लाई कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली लाई कर रहे हैं, फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ रही है हमें। -20 है एक तरफ और एक तरफ है पॉजिटिव का 15। इन सभी के बीच में बहुत सारे नंबर लाई कर रहे हैं। वो कौन कौन से, उनमें से हमने सिलेक्टेड 6 नंबर सिलेक्ट किए जो आपके लिए हमने रिक्वायर्ड किए हैं, रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स सिलेक्टेड 6। कोई भी मैंने लिया यहाँ पे -16/24, -8/24, 4/24,
9 अपॉन 24, 12 अपॉन 24 एंड 14 अपॉन 24। तो ये सिक्स रजिस्टर नंबर्स मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लिए हैं आंसर्स में। आप कोई और भी ले सकते हैं, इट्स नॉट अ कंपल्सरी कि यही नंबर आप लें। बस हमें ये देखना है कि माइनस 20 और प्लस 15 के बीच के वो नंबर हमें सिलेक्ट करने हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे। अगला एक कुछ एग्जांपल और लिया है हमने आप लोगों के लिए, वो है फाइंड 10 रेशियल नंबर्स बिटवीन 3 अपॉन 4 एंड 5 अपॉन 6। यहाँ पे हमने अभी पिछले क्वेश्चन में हमने 6 रेशियल नंबर फाइंड किए थे, यहाँ हम 10 रेशियल नंबर्स फाइंड करेंगे। सबसे पहला काम सॉल्यूशन में आपने डिनोमिनेटर चेक किए दोनों के डिनोमिनेटर हैं 4 एंड 6। हमें क्या करना है, सबसे पहले उनके डिनोमिनेटर सेम करने। तो हम सबसे पहले लेंगे हम एलसीएम, 4 एंड 6 का एलसीएम होता है 12। हमें दोनों के डिनोमिनेटर से 12 देखे आने हैं। पहला नंबर है 3 अपॉन 4, डिनोमिनेटर 4 है, हमें लेके आना है 12। तो क्या मल्टीप्लाई करें 3 का, तो 3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों टर्म्स में हमें करना पड़ेगा, और जिससे हमारा नंबर निकल के आएगा 9 अपॉन 12। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं 5 अपॉन 6 की, डिनोमिनेटर में 6 है, लेके आना है 12 मल्टीप्लाई बाय 2, बोथ डन पार्ट न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर एंड द नंबर इज 10 अपॉन 12। आप देख सकते हैं 9 अपॉन 12 और 10 अपॉन 12 दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, मतलब दोनों के दोनों हमारे लाइक नंबर्स हैं, लाइक फ्रैक्शंस भी कह सकते हैं इनको हम। ओके, अब हमें क्या करना है, जितने रेशनल नंबर्स पूछे गए हों उससे एक ज़्यादा नंबर का मल्टीप्लाई करना है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जितने रेशनल नंबर पूछे गए हों उससे एक ज़्यादा नंबर का मल्टीप्लाई करना है, वो भी तब करना है जब हमें ऑटोमेटिकली नहीं मिल रहे हों। आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में 9 और 10 है, 9 और 10 के पीछे कोई नंबर ही नहीं होते, तो क्या करेंगे, हमें यहाँ पे उस नंबर का मल्टीप्लाई करना है जो पूछा गया हो उससे एक ज़्यादा का। हमें कितने पूछे गए हैं, 10 रेशनल नंबर्स यहाँ पूछे गए हैं, तो कितने का मल्टीप्लाई होना चाहिए, 11 का मल्टीप्लाई होना चाहिए। सबसे पहले मैंने अब लिख दिया मल्टीप्लाई बाय 11 ऑन बोथ द रेशनल नंबर्स, दोनों रेशनल नंबर में 11 का मल्टीप्लाई होगा, और 11 का मल्टीप्लाई हमने किया, पहले नंबर में किया 9 अपॉन 12 में 11 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो आ गया 99 अपॉन 132। सेम एज हमने दूसरे नंबर में भी किया तो नंबर आया 110 अपॉन 132। अब आपके पास बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं, न्यूमरेटर्स को देखिए, एक तरफ 99 एक तरफ 110, 99 और 110 के बीच बहुत सारे नंबर्स होते हैं जो आपके रेशियल नंबर्स हैं, उन सभी नंबर्स को हमने नोट करा। रिक्वायर्ड रेशियल नंबर्स, सबसे पहले 100 अपॉन 132, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 एंड 109 अपॉन 132। ये वो सारे नंबर्स हैं जो हमारे आंसर हैं, और काउंट कर लीजिए ये 10 रेशनल नंबर्स हैं, 10 रेशनल नंबर्स हैं, 10 से कम नहीं है, ठीक है, और इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में लाई करते हैं। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से हम रेशनल नंबर्स फाइंड करना सीखे हैं आज, और इसका यूटिलाइजेशन हम एक्सरसाइज में करेंगे। ओके स्टूडेंट, आपका जो आज का होमवर्क है वो है कंप्लीट एक्सरसाइज 1F फ्रॉम योर बुक। आपको अपनी बुक की 1F एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।